हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और एनसीईआरटी के सफर को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज वन ओनली। तो चलिए आज का चैप्टर पढ़ते हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि चैप्टर नंबर टू है। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि राइट्स का मीनिंग क्या होता है। राइट्स आर लीगल, सोशल और एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम और एंटाइटलमेंट, यानी कि ऐसे अधिकार जो हमारे कानून ने हमें दिए हैं, हमारी सोसाइटी ने हमें दिए हैं, और साथ ही साथ हमें नैतिकता के तौर पर मिले गए अधिकार जो होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, राइट्स। तो राइट्स के बाद हम जान लेते हैं बिल ऑफ राइट्स क्या है। बिल ऑफ राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिए गए हैं। ये जो बिल ऑफ राइट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में दी गई कुछ राइट्स की लिस्ट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्न करता है, किसका, यूएसए का। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साथ ही साथ सरकार के ऊपर ये रोक भी लगाता है कि वो अधिकारों को या वो राइट्स को अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं करेगी तो एक लीगल एक्शन लिया जाएगा, या एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति के प्रति अगर वो राइट कोई और भी फॉलो नहीं करेगा तो वो राइट्स के केसेस में हमें रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी अगर ऐसा कोई राइट वायलेट होगा। और इंडिया ने इसे कैसे अडॉप्ट किया, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का हम मीनिंग जान लेते हैं, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, यानी कि कुछ मानव अधिकार हैं जो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, कैसा भेदभाव, बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड जेंडर, बिना किसी भेदभाव के हर एक इंसान को बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन जो मिले हैं, ताकि सारी सोसाइटी की पर्सनल ग्रोथ भी हो सके और सोसाइटी की एट लार्ज भी ग्रोथ हो सके। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स का आइडिया कहाँ से आया, 1928 में इंडिया में साइमन कमीशन को बिठा दिया गया था। साइमन कमीशन का काम क्या था कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल था ना 1919 का, उसके ऊपर चर्चा करे, उसमें चेंजेस लाए। तो इंडिया उसको अपोज कर रहा था, इंडिया के डेलीगेट्स उसे अपोज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडियंस को उसमें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी गई थी, इंडिया या इंडियंस को कंसिडर किया ही नहीं गया था। तो क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू जी के जो नेतृत्व में मोतीलाल नेहरू कमेटी बैठाई गई 1928 में, इसने क्या किया, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि 1928 में बिल ऑफ राइट्स को इंडिया को भी दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, ब्रिटिश सरकार के लिए उनकी जनता है, तो हमारी भी सुनवाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए। पर उस वक्त हालांकि इस चीज़ को कहीं पे भी तवज्जो नहीं दी गई, और इंडिया में फाइनली वो एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूड किए गए, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं, और ये आर्टिकल 12-35 में इंक्लूड किए गए हैं। इनिशियली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे और अब 6 रह गए हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एक फंडामेंटल राइट में और एक लीगल राइट में क्या फ़र्क है। जो लीगल राइट्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल राइट्स होते हैं, हम कह सकते हैं बेसिक लेवल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जो सुप्रीम राइट्स हैं, जिनको किसी भी हालत में वायलेट नहीं किया जा सकता। तो जो लीगल राइट्स है ना, उसको सिंपल लॉ ही एनफोर्स करता है, लॉ ही प्रोटेक्ट करता है। बट जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री प्रोटेक्ट करता है। सेकेंडली, जो लीगल राइट्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं ईजिली, किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है जी। वेयरएज अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है अगर हम उसे चेंज करना चाहें तो हमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा, पूरे ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। कैसे? नो गवर्नमेंट कैन वायलेट दीज राइट्स इन एनी मैनर। वायलेशन कैसे अगर रोकनी है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ेगा, बट विदाउट चेंजिंग द बेसिक नेचर और विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे अब हम जान लेते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। तो हमें बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इस वक्त, जो कि है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में। तो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली अगर हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ें तो पढ़ना आसान हो जाता है। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, देन इज राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक और राइट होता था जो कि हमारा सेवेंथ राइट था, बट इसे हटा दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 और इसे एक मेयर लीगल राइट बना दिया गया और आर्टिकल 31 से उठा के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया एज अ सिंपल लीगल राइट। अब हम ये सोचेंगे क्यों, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अगर एक बेसिक राइट, एक फंडामेंटल राइट सबको दे दिया जाता था तो गवर्नमेंट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अब फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट किसी तरीके से वायलेट कर ही नहीं सकती। तो एज इन केस, तो अगर हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्टी चाहिए तो गवर्नमेंट उसे एक्वायर ही नहीं कर सकती थी, तो ये वायलेशन हो जाती। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में एक सिंपल लीगल राइट बना दिया गया। तो अब हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी की इन डिटेल में। राइट टू इक्वालिटी का एक जनरल मीनिंग, इक्वालिटी फॉर ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर। यहाँ पे अगर हम इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स का कॉन्सेप्ट भी याद करें तो भी एक आसानी होगी हमें कॉन्सेप्ट को याद रखने में। तो इसका क्या मीनिंग है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट मीन्स कि सबको इक्वली प्रोटेक्शन मिलेगी इन द आइज ऑफ लॉ। सेकेंड चीज़ है प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कि किसी भी तरह का कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं किया जाएगा। कास्ट सिस्टम जो है हमने अबॉलिश कर दिया है। साथ ही साथ जब हम शूद्रास को सुनते हैं पहले टाइम में कि अलाउ नहीं किया जाता था पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस, उन्हें गवर्नमेंट जो है या उन्हें जो लोग जो हैं बाहर की तरफ से भेज देती थी, शहर के बाहर उनको बिठा के रखती थी, उन्हें शहर के अंदर भी अलाउड नहीं था आना, ना ही पब्लिक प्लेसेस में ना ही टेम्पल्स में, तो वो चीज़ अब नहीं होगी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट के केस में, सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट के केस में। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वही शूद्रास वाली बात के उनको शहर से बाहर एक जगह दे दी जाती थी, वो सब अब सिस्टम नहीं चलेगा, सभी बराबर हैं, सभी मिलजुल कर एक ही जगह पे रहेंगे, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं हम अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। जो राजा महाराजा का टाइटल था वो एक मियर टाइटल रह गया, उसके साथ जितनी भी पावर थी वो सब की सब हटा दी गई है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो न्यूज़ में था थोड़े टाइम पहले, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वाले जो टाइटल्स की थी बात, वो कहीं फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट तो नहीं है? तो इन दैट केस गवर्नमेंट लेड डाउन कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, राइट टू अबॉलिशन ऑफ टाइटल जो है हमने किया था, या अबॉलिशन ऑफ टाइटल जो हमने किया था विद रिस्पेक्ट टू राइट टू इक्वालिटी, तो इन दैट केस जो हमें ऑनररी रैंक्स मिले हैं पद्मभूषण, पद्म विभूषण, दीज आर मेयरली रैंक्स और आप अपने नाम के साथ इसका यूज़ नहीं कर सकते और ना ही इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे आपकी ये रैंक्स वापस ले लेगी। तो अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। तो राइट टू फ्रीडम वही आज़ादी, हमें बेसिक सिक्स फ्रीडम्स दी गई हैं, दैट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी आउट एनी ट्रेड और बिजनेस। अब आपको ये बात बता दूं कि ये जितने भी राइट्स हैं बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ना कुछ सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट द्वारा लगाई जा सकती हैं। साथ ही साथ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, वही कि हमारे पास ये फ्रीडम है कि अगर हमें किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है हमें उसका रीज़न पता होना चाहिए, हमें अरेस्ट किया गया है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कन्विक्ट करने का रीज़न क्या है। साथ ही साथ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, हमें ये जान लेना चाहिए कि यहाँ पे बेसिक जितनी भी नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, साथ ही साथ अब राइट टू प्राइवेसी और एजुकेशन भी इसमें जुड़ गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट राइट बन जाता है। साथ ही साथ हम बात करें राइट टू एजुकेशन की, ये आर्टिकल 21A में हमने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ ऐड कर लिया है।
अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो जब भी कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, उसको ये लीगल राइट या फंडामेंटल राइट दिया गया है कि उसे रीज़न या पर्पस अपनी अरेस्ट का पता होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे ये राइट भी है कि वो एक लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि एक एडवोकेट या एक लॉयर को हायर कर सके। और अगर वो व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है तो पुलिस या गवर्नमेंट उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हायर करके देंगे जो उनके बिहाफ पे केस को डिफेंड करेंगे। तो अब हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पहला एस्पेक्ट है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो ये बात करता है यहां पे बेगार की। बेगार का एक सिंपल मीनिंग होता है बॉन्डेड लेबर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्लियरली कह दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि स्लेवरी तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, और अगर कोई भी वर्कर कहीं पे भी काम कर रहा है तो उसे सैलरी देना इज कंपल्सरी, एंड दैट टू इतनी सैलरी के जो उसका एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चल सके। अब हम बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब। तो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स या 14 ईयर्स तक के एज के जो बच्चे हैं उन्हें हैजार्डस जॉब में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, हालांकि वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं इन मीनियल वर्क्स। तो अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। यही बात आती है कि कोई भी रिलीजन इन्फीरियर नहीं है, कोई भी रिलीजन सुपीरियर नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से सारे रिलीजन्स को इक्वल दर्जा दिया गया है, बट एक इंडिविजुअल फ्री है कि अपनी रिलीजन को प्रोफेस कर सके, प्रैक्टिस कर सके, प्रोपोगेट कर सके या आगे फैला सके, कि कोई भी अपनी मर्जी से रिलीजन को फॉलो कर सके, अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को आगे बढ़ा सके, उसका प्रचार कर सके, साथ ही साथ मैनेज करे रिलीजियस अफेयर्स। अब हमने ये देखा है कि दुर्गा पूजा के टाइम पे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि जब भी दुर्गा पूजा का पंडाल लगा था रिसेंटली, तो इसी तरीके से बहुत सारे पंडाल जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है रिलीजियस अफेयर्स को ऑर्गेनाइज कर सकती है। साथ ही साथ एक इंडिविजुअल कोई भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोफेस किया जाता है या प्रमोट किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है DAV स्कूल्स जो हम देखते हैं, ठीक है जी। अब इसी तरीके से कोई भी इंडिविजुअल जितनी मर्जी जो है एज अ टैक्स टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन भी दे सकता है, दैट इज एंटायरली अ चॉइस, बट हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते टू पे टैक्सेस फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन। अब हम बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। नाम से ही पता लगता है कि कल्चर को बचाया जाए और एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। कल्चर कैसे बचेगा अगर किसी भी माइनॉरिटी के आप प्रोटेक्शन कर रहे हो, लैंग्वेज को, उसके हम कॉमन कस्टम्स को अगर बचा रहे हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम अपने कल्चर को या माइनॉरिटीज़ के कल्चर को बचाएं और उसे आगे फर्दर प्रमोट करें। और साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ को ये भी राइट है कि वो अपने बेसिस पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए फॉर्म कर सके। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 और 226 पिक्चर में आते हैं। आर्टिकल 32 इन रिगार्ड्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 226 विद रिगार्ड्स टू हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसके पास क्या राइट है कि इंडिविजुअल जाके कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है, कहाँ पे, टू द सुप्रीम कोर्ट और आइदर टू द हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में करेगा तो अंडर आर्टिकल 32 करेगा, अगर हाई कोर्ट में करेगा तो अंडर आर्टिकल 226 करेगा। अब हमारे पास 5 तरह की राइट्स है, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्शरारी। तो हैबियस कॉर्पस का एक जनरल मीनिंग होता है यू मे हैव द बॉडी। इसमें वही हमें डिटेंशन से रिलेटेड राइट्स मिले होते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर डिटेन किया गया है उसे उसके डिटेंशन का रीज़न पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसे लीगल प्रैक्टिशनर हायर करने का भी राइट मिले। अब हम बात करते हैं मैंडेमस की। मैंडेमस का मीनिंग होता है टू कमांड।
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जिसमें रिट रजिस्टर की गई है एक इंडिविजुअल के द्वारा, वो कमांड करवाता है किसी अथॉरिटी को जो अपना काम नहीं कर रही है कि वो अपना काम करे, ताकि वो इंडिविजुअल का काम या उसका जो वायलेट नहीं होना चाहिए राइट, वो साथ ही साथ चलता रहे और जो हमारा काम है वो चलता रहे, काम ना रुके। अब हम बात करेंगे प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन में जो हाई कोर्ट है वो या सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने से लोअर कोर्ट को ये कहता है कि जो आपने एक्सरसाइज की है ज्यूरिसडिक्शन, या जो आप केस आपने अंडरटेक किया है वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में है ही नहीं, और ये केस जो है आप हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि आप इस केस को ट्राई कर सकें। अब हम बात करते हैं क्यों वारंटों की। क्यों वारंटों में हमें होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, मीनिंग होता है इसका क्या, बाय व्हाट अथॉरिटी, ये जनरल हम देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि एक प्रमोशन की लिस्ट जारी कर दी जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो हम कभी कभी ये देखते हैं कि जो पीछे वाले नंबर के लोग होते हैं उनको प्रमोशन पहले मिल जाती है, तो इन दैट केस जो आगे लोग होते हैं जिन्हें प्रमोशन मिलनी थी बट नहीं मिलती है, इन दैट केस वो क्यों वारंटों की रिट इशू करवा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई अथॉरिटी तो हमारी है, हमें प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, आप प्लीज़ स्टेप डाउन कीजिए, आप हटिए, ये ऑफिस तो मेरा है या ये पोस्ट तो मेरी है। अब हम बात करते हैं सर्शरारी की। सर्शरारी का जो सिचुएशन है वो प्रोहिबिशन के ऑलमोस्ट सेम होती है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होता है अपने से लोअर कोर्ट को ये डायरेक्ट करता है कि जो आपने केस डिसाइड कर लिया है वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं था, इसलिए हम फिर से इसके ऊपर विचार विमर्श करके डिसीजन देंगे। तो इसमें फर्क क्या होता है क्यों वारंटों और सर्शरारी में, कि यहां पे जो डिसीजन होता है वो पेंडिंग होता है और अभी अभी साथ ही साथ जो है हमारी प्रोसीडिंग्स अभी चल रही होती है, डिसीजन जो है कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जाता। वेराज अगर हम सर्शरारी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी लोअर कोर्ट डिसीजन दे चुका होता है, फिर उसे एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेता है, देखता है कि क्या डिसीजन देना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं NHRC की, जो कि है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में फॉर्म किया गया था, और इससे पहले भी कुछ इंस्टीट्यूशंस थे इंडिया में, जैसे कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। ये इंस्टीट्यूशंस जो थे वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे थे, साथ ही साथ हमने NHRC को 1993 में फॉर्म कर दिया। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है, दैट इज़ कि एक जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो रिटायर्ड होंगे उनमें से एक को इनका मेंबर बनेगा, साथ ही साथ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसका एक पार्ट होंगे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसका पार्ट होंगे, और साथ ही साथ दो ऐसे मेंबर्स जो ह्यूमन राइट्स के मामले में एक्सपर्ट्स होंगे या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होंगे जिनको नॉलेज है डे टू डे ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, कि इसका काम पहला ये है कि वो इंक्वायरी करेगा। किस चीज़ की इंक्वायरी करेगा, कि जो भी मैटर्स आए हैं वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लेंट्स भी आती हैं, कंप्लेंट्स इन मैटर्स ऑफ कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप, डिसअपेयरेंस, पुलिस एक्सेसेस या फेलियर इन टेकिंग एक्शन इन डिग्निटी टूवर्ड्स अ वुमेन, ऐसे केसेस हैं वो भी NHRC डील करता है। बट यहाँ पे इसको एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है, ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये कोई भी ऐसा केस अगर NHRC के पास आता है तो वो उसके अंदर कन्विक्शन नहीं कर सकता, वो मेयरली गवर्नमेंट को या कोर्ट को ये डायरेक्ट कर सकता है कि ये चीज़ की जानी चाहिए इस मैटर में, वेयरएज पनिशमेंट सेटिंग पावर NHRC के पास नहीं है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन जनरल सेंस कुछ गाइडलाइंस है या कुछ ऐसी दी गई हमें लिस्ट है जिसे गवर्नमेंट को फॉलो करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी इन द लॉन्ग रन, और साथ ही साथ ये एनफोर्सेबल नहीं है। अब जैसे हम फंडामेंटल राइट्स के केस में एनफोर्स करवा सकते हैं, रिट्स इशू करवा सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के टाइम पे ये चीज़ नहीं हो सकती। तो अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फर्दर अगर हम देखें, ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी शुड अडॉप्ट, वही है कि सोसाइटी में इंप्लीमेंट कैसे करोगे कोई चीज़ को, अगर फर्दर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लॉज में कन्वर्ट करेंगे, गवर्नमेंट एक्शन लेगी, तभी ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सोसाइटी में अडॉप्ट किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे राइट्स
भी देती है फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो एक इंडिविजुअल इंजॉय कर सकता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज है गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए बना देती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं अभी कॉटेज इंडस्ट्री का। और साथ ही साथ अगर हम देखें राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं कि ये राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A में हमने इंक्लूड किया है वो भी पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही एक पार्ट हुआ करता था। तो अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। राइट्स की बात हो तो ड्यूटीज़ की बात करना तो बनता ही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा ऐड कर दी गई थी। और ड्यूटी जो है एक सिटीज़न की होती है गवर्नमेंट के लिए तरफ सोसाइटी की तरफ, ठीक है जी। तो हमारे पास ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थी जो कि 11 कर दी गई थी 2002 में, जो ये कहती है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए, ठीक है जी। तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है, हारमनी यानी कि भाईचारा बना के रखना है और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और अगर अब हम ये चीज़ देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है कुछ राइट्स तो गवर्नमेंट के ऊपर एक्शन होता है, बट अगर कोई भी इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। और साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि हमने अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं किया तो तुम्हारा राइट भी हम फॉलो नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अगर ये चीज़ कह दे तो, ये चीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई की है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमने पहले ही बात की कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर के ऊपर रोक लगा देते हैं कि ताकि वो सिटीजन्स के ऊपर अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, ठीक है जी। तो ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए और कैसे पॉलिसीज बनानी चाहिए, किस चीज़ों के ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए। वेयर एज अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करता है। अब जिसका भी राइट या फंडामेंटल राइट किसी एक इंडिविजुअल का वायलेट होता है तो वही रिट इशू करवाता है। वेयर एज अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वो एक एंटायर सोसाइटी या पूरी सोसाइटी को अपने साथ लेकर चलता है। तो अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूपीएससी प्रीलिम्स में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। डिस्कस करेंगे इस आंसर को नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।